Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with SV. So today we are going to do chapter 5, Golu Grows a Nose. So first of all, let me explain you the title. So here, what does this Golu mean? So Golu is name of an elephant, grows a nose. That means an elephant grows a nose. So as you all know, in early days, elephant have the same nose as we have. You can see how much small nose is there. But in today's generation, or you can say in today's time, elephant have a big trunk. Here you can see the elephant have a trunk. So that's what the chapter is all about, that how Golu, that means an elephant, grows a nose. Now talking about this chapter is from which book? So this chapter is from An Alien Hand, Supplementary Reader in English for Class 7th. So this chapter have two parts, and this is the first part of the chapter. Now let us begin. Okay, so first of all, let us begin with the important points of part 1. Okay, so there was a time when the elephant had no trunk. So here they are talking about the early days. Idhar baat ki gayi hai purane zamane ki, jab elephant ke paas trunk nahi hoti thi. Okay, सो ट्रंक की मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, एलिफेंट विद ट्रंक की पिक्चर आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ एलिफेंट विद ट्रंक. ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज नाउ गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस. तो जो गोलू, जो एक बेबी एलिफेंट है, उसके पास छोटा नोज है. तो छोटे को इधर मेंशन किया गया है बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जो ये गोलू है उसको बहुत सारे क्वेश्चन है. तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसकी ट्रंक कैसे आती है, सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट दिस स्टोरी. देन ही गोज टू द लिम्पो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट. सो व्हाट हियर कम्स अ क्वेश्चन. तो गोलू के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्रोकोडाइल खाते क्या हैं, उनकी हैबिट्स जाननी थी उसको, किसको, गोलू को. तो फिर वो किधर गया, लिम्पोपो रिवर में गया है. तो उसकी स्टोरी यहाँ से बिगिन होती है. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडू. ओके, सो लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. सो एज आई मेंशन्ड इट अर्ली आल्सो कि पहले ज़माने के जो एलिफेंट होते थे उनको बड़ा ट्रंक नहीं होता था, उनको छोटा सा नोज होता था. सो ही हैड ओनली अ बल्जी नोज. बल्जी नोज यानी कि स्मॉल नोज, एज बिग एज अ बूट. ही कुड विगल इट फ्रॉम अ साइड टू साइड बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट. यानी कि वो ये जो उसका नोज है उसको एक साइड से दूसरे साइड को मूव कर सकता था, बट वो जो है ना उससे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं उठा सकता था. ऐसा आपको पता है आजकल के जो एलिफेंट पे ट्रंक होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें वगैरह उठा लेते हैं. उसके बाद सो हियर्स बिगिंस द स्टोरी. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. He too had no trunk but only a bulging nose as small as a small boot. Golu was full of questions. So here what is told is that इधर एक बेबी एलिफेंट की बात की गई है जिसका नाम गोलू है, और ये इधर गोलू की एक पिक्चर भी दिखाई गई है. देन इधर बताया गया है कि गोलू के पास बुलजी नोज था, यानी कि छोटा नोज था, और मतलब इतना छोटा था कि स्मॉल बूथ से भी छोटा हो, ऐसा बताया गया है. और जो गोलू था वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था, यानी उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच. तो जो गोलू है वो अपनी आंट से पूछता है, जो उसकी ऑस्ट्रिच है ना वो आंट है, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. तो फिर इधर बताया गया है कि जिसकी आंट है ना ऑस्ट्रिच, उसको वो पूछता है कि वो क्यों नहीं उड़ सकते दूसरे एनिमल्स की तरह, बर्ड्स की तरह. देन ही आस्क्स हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाट मेक योर स्किन सो स्पॉटी. सो नाउ द अदर क्वेश्चन दैट ही आस्क्स टू द जिराफ वाज व्हाट मेक्स हिज स्किन सो स्पॉटी. सो आपने जिराफ को तो देखा ही होगा, तो वो पूछता है कि आपकी स्किन पे इतने स्पॉट्स क्यों हैं. Then he asks his huge uncle the hippopotamus. फिर वो hippopotamus से पूछता है why your eyes are always so red. तो फिर वो hippopotamus से पूछता है कि आपकी आँखें ऐसे हमेशा लाल क्यों रहती हैं.
ही आस्क्स हिज हेयरी अंकल द बैबून व्हाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन. तो फिर वो अपने अंकल को पूछता है बैबून को कि मेलन मेलन जैसे ही क्यों लगते हैं. द ऑस्ट्रिच जिराफ हिप्पोपोटामस एंड बैबून हैड नो आंसर्स टू गोलू कस्टर्ड. यानी कि इन लोगों के पास कोई भी आंसर नहीं था गोलू के कस्टर्ड को, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस पूछा था जिसका आंसर अभी किसी को भी नहीं पता. तो आपको पता है क्यों मेलन्स मेलन्स की तरह लगते हैं, आपको पता है क्यों उनकी स्पॉटी स्किन है, क्यों ये, तो आपको भी नहीं पता होगा ये रीज़न. सो हाउ कैन द बोथ द एनिमल्स कैन टेल द आंसर टू द गोलूस क्वेश्चन, यू कैन थिंक अबाउट इट. या गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड ही आस्क्स सच डिफरेंट और यू कैन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस. So I have mentioned the word different and difficult over here because you can see how they are just different questions and difficult also. So they are hard to solve by anyone. So one day Golu met the Minha bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? So here is the Mena. So the Golu asks her that why, or you can say, what does the crocodile have in a dinner for him. So the Mina said that go to the bank of the great grassy Limpopo river and find out. So Mina ka answer deti hai ki aap hai na Limpopo river ke idhar jao, ab khud hi pooch lo, आपको आंसर मिल जाएगा. सो गोलू वेंट होम, ही टुक 100 sugar cane, 50 dozen banana and 25 milk. तो गोलू घर गया और वो कितना खाना लिया उसने, 100 sugar canes, यू कैन जस्ट थिंक, 50 dozen banana एंड 25 melon. देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर. देन फिर उसने क्या किया, अपनी फैमिली को गुड बाय बोला और बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर पे, आई विल फाइंड आउट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, क्या क्रोकोडाइल को क्या खाता है डिनर में, तो वो जानना था उसको. He have never seen a crocodile and didn't know what he looked like. तो उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं है तो उसको पता नहीं कि क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? So फिर उसने एक python से मिला और उसने बोला कि आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वो कैसा लगता है या फिर वो क्या खाता है डिनर में. सो सॉरी दिस इज पाइथन, आई थिंक सो इट इज मैना, सो सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स. सो दिस इज पाइथन, ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन इट. द पाइथन अनकोल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग. गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कोइल अराउंड एट द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. फिर पाइथन ने उसको कुछ आंसर नहीं दिया और फिर गोलू ने प्यार से गुड बाय बोल के उधर से निकल गया. तो अभी इधर इसके बाद पार्ट टू चालू होता है. सो आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर इनफ फॉर दिस पेजेस. एंड लिसन, आई हैव सेड इट अगेन एंड नाउ आई एम सेइंग इट अगेन दैट दिस वन इज अ पाइथन नॉट अ मैना. सो बाय मिस्टेक ओनली आई हैव कंसिडर इट मैना, ओके. सो दिस इज पाइथन, होप यू अंडरस्टूड दिस. Chapter 5, Golu Grows a Nose, Part 1. For Part 2 and more videos like this, please like, share and subscribe to my channel. Bye-bye for now.